हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रू फॉल्स से रिलेटेड, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास चार स्टेटमेंट गिवन है, चारों स्टेटमेंट अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या पहला स्टेटमेंट देखिए। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिक कंसनट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल का कंसनट्रेशन। तो बिल्कुल गलत कह रहा है। हमें पता है कि जब रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो भी SN1 रिएक्शन के लिए, तो किस तरीके से लिखते हो, रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ RX, है ना। एल्काइल हेलाइड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका रेट होगा। यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल कहीं आया ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सॉरी, SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि RDS स्टेप होता है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सारी बातें उसी पर डिपेंड कर जाती है कितनी जल्दी आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर ऐसे कह लो कितना स्टेबल पहला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल आएगा ही नहीं। हाँ, सेकेंड स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट बोला है 2-methyl propane 2-ol। जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो प्रोपेन बनाया, 2 पर ol है और 2 पे ही मिथाइल है, ठीक है, 1 2, समझ रहे ना बात को। ओके, इसका ट्रीटमेंट आपने 300 डिग्री सेल्सियस में कॉपर के साथ कराया, तो आपको पता है एल्कीन का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर जो एल्कीन होगा, वो एल्कीन जो ये है वो तो कनकता ही नहीं है, कि नहीं, क्योंकि ये प्रोपेन तो है नहीं, ये क्या है, इसका नाम होगा 1 2 3, इसका नाम है 2-methyl propene, ठीक है, तो प्रोपीन तो ये भी गलती हो जाएगा आपका। अगला देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है आपका, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी देता है। फैलिंग जो टेस्ट होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, आ रही बात समझ में। तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और सिल्वर मिरर टेस्ट ये दे सकता है, देता है मतलब, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ देखिए, एलिफैटिक अमीन हैव मोर PKB वैल्यू देन एनिलीन। अब ये PKB KB वैल्यू जो आती है, ये सब तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बातें करती है ना, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। जिसकी PKB वैल्यू ज़्यादा होती है ना, उसकी KB वैल्यू कम होती है, आ रही बात समझ में। और जिसकी KB वैल्यू कम होगा वो कम बेसिक होगा। दोबारा से समझते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा वो ज़्यादा KB वैल्यू होगी उसकी, और उसकी PKB वैल्यू कम होगी, आ रही बात समझ में। तो हमें ये बात तो पता है ना कि एलिफैटिक अमीन जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, किससे, एरोमेटिक अमीन से, जो कि यहाँ पर एनिलीन है। एनिलीन आपको पता ही है, एक एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। अब हमें ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि एलिफैटिक अमीन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, तो ज़्यादा बेसिक होने से PKB वैल्यू ज़्यादा होगी, सॉरी KB वैल्यू ज़्यादा होगी, KB वैल्यू ज़्यादा होगी, KB वैल्यू ज़्यादा होगी तो PKB वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर क्या बोला इसने, PKB वैल्यू ज़्यादा, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है ये, ठीक है। तो एलिफैटिक अमीन का जो PKB वैल्यू होती है वो कम होती है, किससे, एनिलीन से, ठीक है। ओके, अगर आप ये बात, चलो ठीक है,